नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं भोगांव से गुरसाईगंज तक नई रेलवे लाइन का प्रस्ताव। जी हाँ दोस्तों, पूर्वोत्तर रेलवे ने शुरू की सर्वे की कवायद। सर्वे के बाद नई लाइन को रेलवे बोर्ड दे सकता है हरी झंडी। जी हाँ दोस्तों, मैनपुरी ज़िले को जल्दी एक नई रेलवे लाइन की सौगात मिल सकती है। कन्नौज कानपुर लखनऊ से बेहतर कनेक्टिविटी हो जाएगी मैनपुरी की। भोगांव से गुरसाईगंज के लिए नई रेलवे लाइन का सर्वे शुरू किया गया है। सर्वे की प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रस्ताव तैयार कर रेलवे बोर्ड को भेजा जाएगा। रेल सुविधाओं के मामले में मैनपुरी जिला बहुत ही पिछड़ा हुआ है। यात्री रेल यातायात चुकावाद फरकावाद रेल रूट पर ही निर्भर है। अब रेलवे ने जीटी रोड के किनारे किनारे नई लाइन बिछाने की संभावनाएं तलाशने का काम शुरू किया है। पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर की टीम नई ब्रांच लाइन को जरूरी जानकारी जुटा रही है और इस लाइन के संभावित स्टेशन, राजस्व के साधन व अन्य जरूरी जानकारी जुटाई जा रही है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक नई ब्रांच बनने के बाद ज़िले में रेल यातायात पहले से और बेहतर होगा। इन स्थानों पर होगा स्टेशन का नाम। तो प्रस्तावित नई रेलवे लाइन में गुरसाईगंज व भोगांव स्टेशन को जंक्शन का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। अगर ये रेलवे लाइन बिछ जाती है तो इन दोनों स्टेशनों के अतिरिक्त कन्नौज जिले में बिरयामपुर, कुंवर जसू, छिबरामऊ और मैनपुरी जिले में नबीगंज, बेबर, सैदपुर में हाल्ट स्टेशन बनाए जाने की संभावनाओं पर होमवर्क किया जा रहा है। इस लाइन के प्रभाव में आने के बाद कानपुर, लखनऊ, मैनपुरी, आगरा के बीच बेहतर कनेक्टिविटी हो जाएगी और मैनपुरी कई बड़े शहरों से जुड़ जाएगा। नई रेलवे लाइन के लिए विभिन्न माध्यमों से डाटा जुटाया जा रहा है। सर्वे की रिपोर्ट मिलने के बाद, नई लाइन के अस्तित्व में आने के बाद संभावना है और मैनपुरी एक बार अच्छे तरह से न्यू सिटी से जुड़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।